जोड़ी, 2 रुपए जोड़ी, 2 रुपए जोड़ी। ए, इसका क्या भाव? अरे इसका 2 रुपया जोड़ी। और एक लिया तो? एक लिया तो 1.5 रुपया। एक का 1.5 रुपया और जोड़ी का 2 रुपया, लूट चला रहे हो तुम? भाई साहब लेने का है तो लो, नहीं तो निकल जाओ। चलो ठीक है ठीक है, ले रहा हूँ। अच्छा सुन, 8 आने में देगा? 8 आने में चाहिए। ये लो, 4 दिन पुरानी सड़ी हुई फ्रेश सब्जी है। अच्छा सड़ी हुई फ्रेश है, फ्रेश। कोई बात नहीं, 8 आना ही देना है ना। कोकी को उल्लू बना लूंगा। 8 आना ही है, जरा गिन लेना। अच्छा अच्छी है। केशव कुलकर्णी नाम है ना तुम्हारा? ये तो बहुत बड़े महात्मा लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पैर छू रहा हूँ। आपको कैसे पता चला मेरा नाम केशव कुलकर्णी है? दुनिया की कोई भी बात मेरे से छुपी नहीं रहती, और हमारी मुलाकात होने का आज हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। अरे लेकिन बाबा, सवाल नहीं पूछने का, सवाल नहीं पूछने का। ये लीजिए। ये क्या है बाबा? आपके तकदीर की किताब है। मेरे तकदीर की किताब? ओह, मुझे लगता है आपको ऊपर से चित्रगुप्त बाबा ने भेजा। वही समझ लीजिए, इस डायरी में हर रात को आप आपका कल का प्रोग्राम लिखेंगे। मतलब एडवांस में? बिल्कुल ठीक, आप जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। ये डायरी यही साल के लिए है, इसलिए आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी इच्छा है, वो ये साल में पूरी कर लीजिए। ओहो, बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? पैर छू रहा हूँ। तथास्तु, तथास्तु। हेलो चिंटू बेटे, क्या हो रहा है? डैडी आज आप मेरे लिए क्या लाए हो? बेटे आज मैं तुम्हारे लिए पालक लेकर आया हूँ, इसे खाने से तुम्हारी तबीयत बनेगी। मेरी तबीयत तो पहले से बनी हुई है डैडी, आप ही इसे खाइए। इडियट, क्या कर रहा है? ओके ओके, क्या है केश? ये क्या सड़ा हुआ पालक उठाकर लाए हो? अरे क्या सड़ा हुआ कह रही हूँ, जानती हूँ सड़े हुए पालक में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन जेड, माइनस सी। बस बस, फेंकम फेंकी बहुत हो गई। ये क्या है केशु? ये डायरी है कोकी, डायरी, इसमें मैं अपने प्रोग्राम्स लिखूंगा। अरे केशु, साल खत्म होने में सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं और अभी तुम डायरी लिखना शुरू करोगे? ठीक है ठीक है, तुम्हें क्या पढ़ी, जाओ तुम जाओ। अरे डायरी लिखना भी आता है, ऑफिस के सारे काम तो गोखले से करवाते हो। तुम जाओ अंदर जाओ, ये लो जाओ। चीची, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो। ओह जय फकीर बाबा। ओम नमः डायरेश्वरी, ओम नमः डायरेश्वरी। डायरेश्वरी, मैं कल के प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वैसे ही करना जैसे मैं लिखूं। सो रही है। क्या लिखूं, क्या लिखूं? पैसे नहीं, सोना, चांदी, प्रेमा जी, यस प्रेमा जी। सो रही है प्रेमा जी, यस। ओम नमः, कल सुबह क्यों लिख रहा हूं? 12 तो बज गए, आज सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकलू, तब प्रेमा जी, माई डार्लिंग प्रेमा जी मेरे पास आएगी और मेरे पास आकर के कुछी। प्रेमा जी। ओ, के कुछी, आप कैसे हैं? प्रेमा जी आप आ गई? यस। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने डायरी में लिखा था। के कुछी? हाँ। कोकी जी घर पे है? हाँ, लेकिन आप फिक्र ना करें प्रेमा जी, वो किचन से बाहर नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी डायरी में एंट्री ही नहीं लिखी। आप कितने क्लेवर हैं। क्या मतलब डायरी में एंट्री? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं प्रेमा जी। ओके कुछ है? क्या हुआ? आपकी ये जुल्फे बिखरे बिखरे से क्यों है? तो लीजिए ना प्रेमा जी, सेट करके दीजिए, सेट करके दीजिए। इतना बड़ा कंघा है। सेटिंग 1 2 3, सेटिंग 1 2 3, सेटिंग 1 2 3। आपको शायद खुद भी अंदाजा नहीं है कि आप कितने हैंडसम हैं। एक मिनट प्रेमा जी। काश काश मैंने डायरी में गाल लिखा होता। तोड़ डालो, सारे बर्तन फोड़ डालो, लेकिन तुम एंट्री नहीं ले सकोगी कोकी, क्योंकि इस डायरी में मैंने तुम्हारी एंट्री लिखी ही नहीं है। एंट्री से मुझे याद है, मेरे एग्जिट का टाइम हो गया है, शूटिंग के लिए देर हो रही है। प्रेमा जी मेरी बात। हाँ। प्रेमा जी, मेरी जुल्फे, मेरे बाल। ओके कुछ, आप कितने ये हैं? ये? मेरा मतलब
कहते वो है। तुम यहाँ पर हो? मैं कब से ऊपर बालकनी में खड़ा था ताकि तुम्हें ऊपर से टाटा करूं, तुम दिखाई नहीं दी, तो मेरे दिमाग में डॉट गिरा कि हो ना हो इस पागल ने तुम्हें अपने घर के अंदर खींच लिया होगा। ए दिलरुबा के बच्चे, पागल किसे कह रहा है तू? मुझे कह रहा हूँ तुझे। पागल किसे कह रहा है तू? तुझे कह रहा हूँ। हो ना हो हमारी बिल्डिंग में एक ही पागल है ले देख के, और वो है तू। अच्छा ले देख के, अभी तुझे देता हूँ। मार अपने गाल पर एक तमाचा, मार एक गाल। तुम अपने गाँव पर तमाचा क्यों मार रहे हो? No, I can't help it. ये जब एक कमांड देता है ना, तो मुझे कमांड पूरी करनी पड़ती है। ऐसा कैसे हो? दिखा दो, दिखा दो। हाँ। एक बार फिर बोलना यार। मार एक और। ले देंगे। चलिए प्रेमा जी, हम चलते हैं। इसके साथ मत जाओ, ये बदमाश है, लफंगा है। ए बदमाश किसे कह रहा है तू? तुझे कह रहा हूँ, तुझे, तुझे। मार एक और। मैं जा रही हूँ। चलिए प्रेमा जी। ए हाथ छोड़। मैं छोड़ूंगा। ले दे के हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। मार एक और। मार एक और। ओ गोखले, क्या बात है, इतनी जालिम उदासी में क्यों बैठा है? तेरी बीवी गांव से वापस आ रही है क्या? नहीं यार, कल आ रही है। हाँ। और साथ में मेरे सास ससुर को भी ला रही है। ओ, ओ। वो लोग आ गए ना। हाँ। पूरे महीने का राशन दो दिन में खत्म। ये टकलू पगार भी नहीं बढ़ा था। डोंट वरी गोखले, डोंट वरी, तेरा ये दोस्त किस लिए खड़ा है? तू क्या कर रहा है, तू तो बैठा है। अबे सुबह सुबह फालतू जोक मत मार, चल जा, कल तेरे सास ससुर गांव से नहीं आएंगे, जा। ये तू कैसे कह सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ गोखले, ये मेरी डायरी कह रही है। डायरी? यस। क्या मतलब? देख गोखले, मैं तुझे एक सस्पेंस वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन ये सस्पेंस किसी को बताना मत, ओके? सस्पेंस। सच कह रही हूँ गंगा मौसी, कल केशव ने जो भी डायरी में लिखा ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। क्योंकि तुम एक काम करो, समझ गया गोखले, समझ गया केशव। अगर तूने मेरे सास ससुर को रोक दिया तो कल मैं तुझे दो हाफ लस्सी पिलाऊंगा। दो हाफ लस्सी? लेकिन दो हाफ की जगह एक फुल लस्सी क्यों नहीं? वो महंगी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। और गोखले, अगर इसके साथ साथ टकलू शर्मा ने तेरी पगार भी बढ़ा दी तो केशव, लस्सी के साथ साथ समोसा पाव फ्री। समोसा पाव? हाँ। क्या कॉम्बिनेशन केशव, लेकिन तू ये सच कह रहा है ना या फेंक रहा है? अरे सच कह रहा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो चल शर्मा की कैबिन में, कल ही मैंने इस डायरी में लिखा था कि टकलू शर्मा के सर पर घास जैसे 20-25 काले बाल निकल आएंगे। 20-25 क्यों? सैंपल है ना गोखले, अगर ये सैंपल ठीक से मार्केट में चला तो शर्मा का उजड़ा चमन हम आबाद कर देंगे। देखा क्या बात है सर, आपने सर पर फाइल क्यों रखी है? अरे क्या गोखले, कैसे सवाल करता है, सर पर फाइल क्यों रखी है? अरे देख नहीं रहा ऑफिस में कितनी धूप है? एक तो इतनी धूप, ऊपर से ये नीचे खुला मैदान, ऊपर कुछ छप्पर वप्पर तो चाहिए ना। बकोमार, बकोमार। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अरे वाह, नौकरी से निकाल देंगे? कैसे निकालेंगे, उल्टा कल आप हमारी पगार बढ़ाएंगे। कल मेरे बाप की शादी है क्या? क्यों, पिछले साल तो हमारी पगार दो बार बढ़ाई थी आपने। पिछले साल सर के बाप की दो बार शादी हुई। देखो सर, आपके सर पर तो आधी अधूरी खेती उग चुकी है। ये क्या हो गया सर? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, जब ऑफिस आया था तो पूरा मैदान था, यहाँ पर आने के बाद न जाने कहाँ से घास सूख आई। डोंट वरी सर, कल इस मैदान पर घास की जगह काला घना जंगल निकल आएगा। काला घना जंगल सर? अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कुल करनी। अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। 2 साल का बोनस एडवांस भर दूंगा। थैंक यू सर। तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, मेरा मतलब है 2 महीने की। ओके सर, ओके, हम चलते हैं। अब इसकी क्या जरूरत, कल तो जंगल निकलने वाला ही है सर। खाड़ के लगे कम बखत। गोखले अब एक काम करते हैं, ये बाल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, अगर टेस्टिंग सही निकली तो इस दुनिया का मैं सबसे बड़ा विग मेकर बन जाऊंगा। चल 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 चल। क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हमारी शांति देवी? गोखले ये मैं क्या देख रहा हूँ? लक्ष्मी, IBM लक्ष्मी रो रही है। हाँ। वो भी हमारे होते हुए। हाँ। कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति आई हुई तो चल देखते यार। लक्ष्मी, लक्ष्मी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, हमारे बाजू में एक शांति देवी रहता है। हाँ। कल उसकी डिलीवरी डेट है। हाँ। सोनोग्राफी से पता चला है कि उसके पेट में लड़का है। ओ, ओ, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तब होना जब उसका सास बीच में गड़बड़ नहीं करे। ये दुनिया भर की सासें हमारी सास क्यों बंद कर देती है केशव?
सुबह सुबह फालतू जोक मत मार। अच्छा आईबीएम लक्ष्मी, उसकी सास क्या गड़बड़ कर रही है? अगर इस बार शांति देवी को लड़का हुआ तो उसकी जान ले लेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि सास को लड़कियां बहुत पसंद है। अरे ऐसी केस तो पहली बार सुन रहा हूँ। डोंट वरी लक्ष्मी, इस बार शांति देवी को लड़के की जगह लड़की पैदा होगी। पेट में एक्सचेंज गेम, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, केशव कुलकर्णी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बोल, तुझे लड़की बना दूं? मैं छोटा चोर हूँ, चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे करूँ। आप मुझे गाइड करेंगे? अच्छा, छोटा चोर है तू। हाँ, क्या नाम है तेरा? पक्या। पक्या? लेकिन ये पक्या क्या, भाई या पक्या दादा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा चोर हूँ ना, इसलिए नाम भी छोटा, पक्या। ओहो, पक्या। देखो पा, पा, और भी छोटा कर दिया ना नाम। देखो पा, ये चोरी करने से तुम्हें सजा भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है तुम्हें पता नहीं? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे कहा था। ओहो, क्या कहा था? कर्म करते जाना, फल की इच्छा मत करना। बात, तुम तो आध्यात्मिक चोर हो, पढ़े लिखे लगते हो। हा? मैं हिस्ट्री में PhD हूँ। क्या बात कर रहा है? अच्छा, लेकिन डिग्री का कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, इसलिए लाइन चेंज कर दी। अच्छा किया, अच्छा किया। देखो पा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल। कैसे? ये डायरी में एंट्री कर लूंगा, तुम बड़े चोर बन जाओगे। ओके, तब तक तुम छोटी चोरी करते रहो, कल तुम्हारी मदद करूंगा। बाय। ओहो, अब कौन आ मरा? प्रेमा जी घर पर है? नहीं है, क्यों? जरा काम है, बुलाओ उन्हें। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और पहले अपनी बीवी को अपना सड़ा हुआ थोपड़ा दिखा के आओ। जाओ, कम ऑन नाउ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। अरे यार, ये आदमी है क्या है? अभी क्या है यार, क्या? अभी मारे कौन, मारे कौन? ओम नमः डायरेश्वरी, मैं कल के प्रोग्राम लिख रहा हूँ। सो रही है, सो रही है, इसकी आधी जिंदगी सोने में चली गई। सबसे पहले तो प्रेमा जी की पप्पी, कल प्रेमा जी मुझे होंठों पर पप्पी, नहीं नहीं नहीं, गाल रखते हैं, कल गाल से काम चलाते, बाद में होंठों पर। तो कल प्रेमा जी मुझे गाल पर पप्पी करेगी, बाद में दिलरुबा के गाल पर तमाचा, मारे कौन। बाद में गोखले की सास, शर्मा के टकले पर घना काला जंगल, शांति देवी के पेट में बैठा हुआ लड़का लड़की बन जाए। हाँ, और पकिया, पकिया चोरी करने में कामयाब हो जाए। ओके केशव, शुरू हो जा। माय डार्लिंग प्रेमा। प्रेमा जी को आने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, बाद में पप्पी पप्पी पप्पी। गाल साफ कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट जल्दी आ गई, उनको भी जल्दी होगी। आ गई गंगा, सुबह सुबह आ गई तो हमेशा नाश्ते के वक्त ही क्यों आती है? ओके, क्या है केशु? ये गंगा को कल रात का बचा कुचा खाना दे दो। चुप रहो केशु, कुछ भी बोलते रहते हो। गंगा मौसी, क्यों आई हो? कोकी, मुझे जरा शक्कर चाहिए। देखा देखा कोकी, पूरा महीना मांग मांग कर खाती है। शट अप केशु, तुम अंदर चलो। चलो प्रेमा जी। प्रेमा जी, 1 मिनट। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हनीमून? हम हनीमून के लिए जाएंगे। प्रेमा जी, हनीमून? लेकिन लेकिन प्रेमा जी, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था, हनीमून। चलो, आई एम रेडी, लेट्स गो। प्रेमा जी, ये वहाँ क्या करेगा? क्या मतलब? अरे हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम मतलब हम नहीं, और हम भी नहीं, हम जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे लेकिन तू वहाँ क्या करेगा? अरे वो मेरी प्रॉब्लम है यार, तू अपना काम करना। दरियाई घोड़े? दरियाई घोड़ा? हाँ, दरियाई घोड़ा। तूने मुझे दरियाई घोड़ा कहा? हाँ, कहा मैंने दरियाई घोड़ा। यू बगर पंख के मुर्गे, तूने मुझे दरियाई घोड़ा कहा? कहा कहा कहा। ओके, मारे कौन? कुछ गड़बड़ लगती है, मिस्टेक हो गई लगती है, मारे कौन? मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, मारे कौन? गंगा मौसी, तुम्हारा फॉर्मूला सक्सेसफुल हो रहा है। पता है,
कल रात को केशव ने डायरी में जो कुछ भी लिखा था ना, उसको मैंने उल्टा कर दिया है। उसी का नतीजा है ये। अच्छा क्यों गोखले, दो हाफ लस्सी और समोसा पाव खिला रहा है ना? फालतू बात मत कर केशव। क्यों, क्या हुआ? बीवी आ गई ना? बीवी आ गई, साथ में सास ससुर, उनके पांच लड़कियां, लड़कियों के जमाई, उनके भाई, अरे सब लोग। मैं ये सहन नहीं कर सकता केशव, मुझे आधा ग्लास जहर पिला दी। जहर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गोखले? मैंने डायरी में तो लिखा था। केशव जी, आपका बात तो सब उल्टा हो गया। उस शांति देवी को जुड़वा लड़के पैदा हो गए। गोखले, ये सब उल्टा कैसे हो रहा है? ये देख, देख और देख, देख तू देख। हमारी पगार और भी कम हो गई। ये टकलू शर्मा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने उसके उजड़े चमन को आबाद कर दिया फिर भी। अबे चमन, असली तमाशा तो तुझे अब देखना है। चल चल, 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 चल। अरे क्या हुआ सर, वो काला जंगल निकला कि नहीं? अरे काहे का काला, ये काले भालू की जगह मुर्गे के पंख निकल आए। अब बाहर जाते ही सारी मुर्गियां मेरे पीछे लग जाएंगी। डोंट वरी सर, मैं कुछ करता हूँ, जल्दी से कुछ करता हूँ। करो, करो। मैं वो एंट्री करके मैं कुछ सब कुछ बदल देता हूँ। पहले इसको निकालना पड़ेगा। अरे भैया, इन बालों के चक्कर से तो अपन गंजे ही ठीक है। अरे कुलकर्णी साहब, कहाँ थे आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे यार, तेरे डिपार्टमेंट ने तेरी ड्यूटी सिर्फ मेरे लिए ही लगाई है क्या? क्यों मेरा इंतजार कर रहा था? तेरे को कोई प्रॉब्लम है? आपके घर पे चोरी हुई। चोरी? नहीं, डरियो मत। जेवर, जेवर, टीवी, टीवी, मिसियार, मिसियार, फ्रीज, फ्रीज। अब तो बस कर, नीचे बैठने की जगह नहीं है। ये अपनी जगह पर है। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए ना, अभी मैं अपनी जगह से हिल जाने वाला था तो चोरी क्या हुआ? भाभी जी कह रही थी तिजोरी में रखी हुई सारी चीजें अपनी जगह है केशु। सिर्फ तुम्हारी डायरी और पेन। क्या, मेरी डायरी चोरी हो गई? देखो कि ये नहीं हो सकता। ये हुआ है कि देखो, चोर तुम्हारे नाम पे चिट्ठी भी छोड़ गया है। क्या बात कर रही हो साहब? आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं? कल आप ही ने इनडायरेक्टली मुझे डायरी का राज बता दिया था और मैंने मतलब वो चिट्ठी में हंसता भी है। मुझे तो दिखाई भी दे रहा है। अब आप ही ने मुझे चोरी का पहला मौका दिया है, इसीलिए मैंने किसी भी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाया। आप ही मेरे गुरु हैं। अब इस डायरी से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। फिर से एक बार आपका शुक्रिया। जल्द ही मुलाकात होगी। आपका श्री कृष्ण भक्त। पक्या? पक्या? मेरी डायरी चोरी करके चला गया। मैं लुट गया, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। ए, पुलिस को बुलाना। पुलिस तो आपके सामने खड़ी है। अरे हाँ, तो जाना डायरी को ढूंढना। क्या अभी उस फालतू डायरी के पीछे पड़े? अरे तुझे उस डायरी की वैल्यू मालूम नहीं है? अगर आज वो डायरी मेरे हाथ में होती ना, तो तुझे इंस्पेक्टर की जगह मैं कमिश्नर बना देता। मैं अभी उस डायरी को पकड़ता हूँ। ये इंस्पेक्टर पिछले जन्म में जरूर घोड़ा होगा। खोकी, खोकी, ये तो सब उल्टा हो गया। होना ही था, जब उल्टे काम करोगे तो उल्टा ही होगा। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे खोकी? ये ऐसे हुआ कि कल रात तुमने जो डायरी में लिखा था वो मैंने पढ़ लिया था। अच्छा? और उसे मिटा के उसकी जगह सब उल्टा लिख दिया। और ऊपर से ये भी लिखा कि उसी डायरी की चोरी भी हो जाए। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। कौन है मेरा? प्रेमा जी हैं? क्यों? जरा काम है, बुलाओ ना। क्यों, मैं तेरे पापा का नौकर हूँ क्या? चल निकल, निकल, अपना रास्ता माप। जेब में इंची टेप है ना, रास्ता माप, निकल, निकल। प्रेमा जी हैं, बुलाओ उन्हें, इसकी नौकरी करता हूँ। अब क्या है यार? अरे एक बात बता, तू हनीमून से इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा हनीमून था, मैं जो मर्जी करूँ। एक काम कर। क्या? मारे उल्टा कैसे हो गया कोकी जी? ओके बाय कोकी। चिंटू, चिंटू, मैंने तुझे कितनी बार कहा, इतनी जोर से मत तोड़ा, पूरी बिल्डिंग हिल रही है। डैडी, ये बिल्डिंग मेरी वजह से नहीं हिल रही है, हमारे टेरेस पर ना एक हेलीकॉप्टर लैंड किया है। हेलीकॉप्टर? हमारी बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है? मम्मी को जाके बता। मैं भी देखता हूँ। गुरखा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कमांडो हूँ मैं। कमांडो? बकिया साहब मिलने को आ रहे हैं। बकिया साहब? नमस्ते श्रीमान जी। बकिया तू? एक मिनट,
ड्राइवर को बोल दे हेलीकॉप्टर चालू ही रखना, मैं आ रहा हूँ। यस सर। हेलीकॉप्टर के लिए ड्राइवर? मैंने अपने ड्राइवर को पायलट बनाया। ए बकिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? एक तो मेरी डायरी और पेन चोरी करके गया और आज 15 दिन के बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है तू? आपने जो मुझ पर उपकार किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपके उस डायरी के वजह से आज मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां है जो आपके पास नहीं। यू रास्कल, यू स्काउंडरल, यू केशव, यू चिल्ला रहे हो तुम? नमस्ते श्रीमती जी। ये कौन है? कोकी, वही चोर है जिसने मेरी डायरी चुराई थी। ओ नमस्ते भाई साहब। मैं अपनी पुलिस को फोन करता हूँ, फोन डेड है। तुझे कैसे पता चला? कल रात ही मैंने डायरी में लिखा था। यू रास्कल, यू स्काउंडरल, गुस्सा मत कीजिए, ये लीजिए आपकी डायरी और ये पेन। अब मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुना है आजकल इनकम टैक्स वाले रेड मार रहे, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तुम पर मेरा हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है। नमस्ते। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। नमस्ते। ठीक है, ठीक है। बाय। अच्छा चोर था नहीं कोकी, अच्छा चोर था। हेलीकॉप्टर जा रहा है। डायरी छोड़ कर गया कोकी। अब इस डायरी में मैं लिखूंगा कि केशव कुलकर्णी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। सबसे अमीर आदमी बनेगा। कोकी, क्या हुआ? इस डायरी के पन्नों पर तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। बराबर है। अरे लिखने के लिए तो एक भी पन्ना नहीं बचा। इसीलिए, क्योंकि आज 1 जनवरी है और डायरी खत्म हो गई है।